Innovator se baat, a podcast where we talk to startups incubated at SIAC IIT Kanpur. And in this series today, I have with me our first female entrepreneur, founder of Vasundhara Biofibres, Preeti, with us. So welcome to the podcast, Preeti. And I would like to start with your introduction. So what is the idea you are working on and how has been your journey so far? Okay, thank you so much, sir, for having me and giving me this platform. So, mera naam Preeti Singh hai and I'm a mechanical engineer, founder and CEO of Vasundhara Biofibres. So, in the Vasundhara Biofibres, hum kya karte hain? Hum packaging industry and sustainable packaging ke solutions pe kaam karte hain, jisme humne jo ek major problem hai packaging industry ka, which is deforestation and environmental pollution. Us pe hum kaam kar rahe hain, jisme hum agricultural biomasses, jo waste hota hai agriculture. Parali, bagas and rice, wheat straw, etc. And some grasses, jo highly fibrous in nature but waste for farmers. Hum unka istemal karte hain to make pulp from it and manufacture the sustainable packaging materials from it, like biodegradable bags, paper bags, disposals, cutleries, etc. So, Preeti, matlab isko aur thoda sa decode kare for practical use. तो अभी हमने कार्टून कार्डबोर्ड के कार्टून्स देखे हैं जो पैकेजिंग में यूज हो रहे हैं exactly. तो आपका कितना मतलब वो थोड़ा सा ऐसा फ्रेजाइल भी होता है तो आपका कितना स्ट्रेंथ वाइज अच्छा है उनके कंपैरिजन में okay. और अगर उनसे कंपेयर करें हाँ. तो जो हम मटेरियल डेवलप करते हैं उसकी क्वालिटी एंड जो स्टैंडर्ड्स होते हैं टू मीट द डिमांड ऑफ द डिफरेंट पैकेजिंग सेगमेंट्स, लाइक आपने बोला कार्डबोर्ड, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल. जो पेपर पैकेजिंग है, कार्डबोर्ड हो गया, मोल्डेड पैकेजिंग हो गया, थर्माकोल पैकेजिंग हो गया, तो टाइप्स ऑफ पैकेजिंग. तो हम ऐसा रॉ मटेरियल जो निकालते हैं या बनाते हैं कस्टमाइज्ड बेसिस पे जिसकी क्वालिटी वेरी करती है. अगर आपको पेपर बैग बनाना है तो हम उस क्वालिटी का रॉ मटेरियल कस्टमाइज तरीके से बनाते हैं, एंड आपको कार्डबोर्ड बनाना है तो विल डेफिनेटली गो विद द स्ट्रेंथ एंड जो अदर क्वालिटीज होती हैं टू मीट द कार्डबोर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. सो यू स्टार्टेड योर स्टार्टअप व्हेन, जब कब से आपने आप फॉर्म आइडिया जो दिमाग में चल रहा था इट वाज फ्रॉम 2018, बट जो हमने इस पे कोर में काम करना शुरू किया ये हमने 2021 से काम करना शुरू किया 2021 से. और आप मैकेनिकल बीटेक मैकेनिकल ग्रेजुएट हैं, यू ग्रेजुएटेड इन 2020 आई थिंक, तो 3 साल बाद आप बीच में जॉब कर रहे थे या आप रिसर्च कर रहे थे इस आइडिया पे? एक्चुअली मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ. 2018 से इस पे काम कैसे दिमाग में कैसे आया कि मुझे इस सेक्टर में काम करना है, तो गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही थी स्वच्छ भारत अभियान, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था कॉलेज से ही, तो जहाँ पे हम डीपली इंगेज हुए थे विलेज लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे गए थे, लोगों की प्रॉब्लम समझी थी, तो वहाँ पे एक इशू समझ में आया था कि सबको जानकारी है कि प्लास्टिक इज हार्मफुल, सबको जानकारी है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बट दे डू नॉट हैव अ अल्टरनेटिव ऑप्शन कि वो उसको उसकी जगह पे यूज़ कर सकें. पीपल जानते थे, कुछ लोग इकट्ठा करके रखते थे घर में, बट प्रॉपर कलेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है कि कोई कलेक्शन हो सके, तो वो उनके पास कलेक्शन में पड़ा हुआ है प्लास्टिक बैग्स. तो वहाँ से समझ में आया कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उनके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है उसी कॉस्ट में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में. तो एक और इंसिडेंट हुआ था, ये कॉलेज के टाइम का ही, कॉलेज के टाइम का है. एक और इंसिडेंट हुआ था, थोड़ा सा टाइम लूंगी, आराम से. जहाँ पे मैंने एक न्यूज़ देखी थी जहाँ पे एक बच्चा था जिसने ये रेजोल्यूशन लिया था कि मेरा अगर आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, तो वो जहाँ से गुजरता था तो वहाँ पे एक दीवार पे बहुत कचड़ा पड़ा रहता था, तो उसने कहा अगर हो गया तो मैं ये पूरा साफ कर दूंगा. तो उसका सिलेक्शन हो गया फाइनली, और वो न्यूज़ बनी थी क्योंकि उसने सारा साफ किया था और उसको बहुत अच्छे तरीके से बना दिया था. तो वहां से दिमाग में आया कि हम ही कर सकते हैं सब कुछ, चेंज जो लाना है वो हम ही ला सकते हैं, बस हमें उसको एक्नॉलेज करना है और उस पर काम करना है. तो फ्रॉम दैट पॉइंट मैंने सोचा कि अब काम करेंगे इस पर, और हमें पता नहीं था कैसे करना है, हमें नहीं पता था आगे कैसे बढ़ना है, बट एक आइडिया था कि इस चीज़ पे काम करना है. हमें ये भी नहीं पता था कि हम फाइनली हमें ये सोल्यूशन मिलेगा, बट हमने धीरे 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 इस पर काम करना शुरू किया, लोग जुड़ते गए, गाइडेंस मिलता गया, इंक्यूबेशन सेंटर्स मिले, और अभी हम यहाँ पे हैं. सपोर्ट फ्रॉम इंक्यूबेशन सेंटर अर्ली स्टेज स्टार्टअप के लिए बहुत ज़रूरी होता है.
मतलब जो अभी सिनेरियो चल रहा है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये जेई की कोचिंग की तरह होती है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो किसी दिन आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, किसी दिन बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आप अनमॉनिटर्ड घूम रहे होते हो. बट व्हेन यू आर इनटू एन इकोसिस्टम जहाँ पे बाकी लोग भी उसी रेस में हैं, तो आप ऑलवेज मोटिवेटेड रहते हो, ड्रिवन रहते हो, आप कोलैबोरेट भी कर सकते हो. और दूसरे पर्क्स तो हैं ही, आईआईटी कानपुर में रहने के एक टैग आपके साथ जुड़ जाता है. कैसे आपको इसके बारे में पता चला, मैं तो ये जानना चाहूँगा. और कितने और इंक्यूबेशन सेंटर्स में आपने अप्लाई किया था, कैसा था वो प्रोसेस, कैसे सिलेक्शन होता है एसआईसी में? ये एक लंबी जर्नी है जो मैंने 2021 में इस पे काम करना शुरू किया था, रिसर्च करनी शुरू की थी. मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे काम करना है, कैसे अप्लाई करना है, या कैसे मुझे मेंटोरशिप मिले. बस आइडिया था तो मैंने लिंक्डइन पे सर्च करना शुरू किया, ऐसे जो लोग काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स हैं, जो काम करते हैं, मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया एंड रैंडमली क्वेश्चंस पूछने शुरू किए कि कैन यू हेल्प मी इन दिस, आई हैव दिस आइडिया, मुझे एक गाइडेंस चाहिए कि मैं इस जर्नी पर आगे कैसे बढ़ूँ. तो वहाँ से कुछ लोग सपोर्ट में आए और उन्होंने मुझे एक वे दिया, क्योंकि मैं उस टाइम पर बहुत इनिशियल थी. तो पहले होता है आप खुद को निखारो तभी आपको कोई निखारने आएगा, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. वो मैंने वहाँ से सीखी. तो मैंने फिर अपनी जो रिसर्च को स्ट्रॉन्ग किया, जो मुझे करना है बेसिकली, उसको पहले जब मुझे खुद समझ में आएगा तभी मैं आगे किसी को समझा पाऊँगी और लोग जुड़ पाएंगे. तो मैंने रिसर्च शुरू की एंड वहाँ से हम REC अम्बेडकर नगर एक कॉलेज है, मैं वहाँ पर चली गई, क्योंकि मुझे जैसे आपने माहौल की बात की तो बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसा माहौल मिल सके कि हम काम कर सकें. कोविड का टाइम था 2020 और 2021, हमारी ग्रेजुएशन उसी टाइम पे कंप्लीट हुई, तो हम अनफॉर्चुनेटली घर पे ही फंस गए थे. हम कहीं जा नहीं पाए. तो फिर वो एक घर वाला माहौल, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, और फिर गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन थी तो एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं कि अभी ये कुछ का बच्चा नहीं कर रहा है. इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग. तो फिर मुझे था कि मुझे घर से निकलना है एनी हाउ. तो मैंने उससे पहले ऑनलाइन कुछ काम किया था जहाँ से मैंने कुछ, मेरे पास सस्टेनेंस का पैसा था. तो मैं फिर REC अम्बेडकर नगर चली गई जहाँ पे मैंने अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट किया. वहाँ के कुछ प्रोफेसर्स को मैंने, एक और अदर स्टार्टअप है जिनके सपोर्ट से मैं वहाँ पे गई थी और मुझे एकोमोडेशन और ऑफिस वगैरह स्पेस मिल गया था जहाँ पे मैं रिसर्च कंडक्ट कर सकती थी अपनी. इतना ही चाहिए था उस टाइम पे, वो हमारे लिए बहुत था कि हमें बहुत मिल गया. हमने वहाँ पे अपना सारा रिसर्च कंप्लीट किया. हम पूरा टाइम ऑफिस में बैठे रहते थे सुबह से लेकर शाम तक कि जो कर रहे हैं उसमें स्ट्रांग हो जाए ताकि हम उस चीज़ को डिफेंड कर सकें और आगे बढ़ सकें. तो पूरी रिसर्च की कैसे हम ग्रासेस पे काम कर सकते हैं, कौन कौन सी ग्रासेस हैं, कौन कौन से एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं, किस पे काम हो रहा है, काम हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, हम उसमें कैसे इनोवेशन ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें की, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए. उसके बाद बारी बारी से फॉर्म भरने शुरू किए, इंक्यूबेशन सेल्स में भी अप्लाई करना शुरू किया. बट वही फिर अर्ली स्टेज रिजेक्शंस का टाइम आ गया, रिजेक्शंस हर जगह से. बट वो भी अच्छा लगता था फिर कि एटलीस्ट उस स्टेज पे ही भर सकते हैं फॉर्म और रिजेक्ट हो सकता है, एक्नॉलेज मतलब हो रहा है. तो बट काम करते करते एक फर्निश वाली चीज भी आ जाती है कि आप थोड़ा सा पॉलिश्ड हो जाते हैं, आपको पता चलता है कि किन किन गलतियों, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है. हम हर एक रिजेक्शन से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और अगर नहीं सीख रहे हैं तो फिर हम अभी उस फेज में नहीं आ पाए हैं कि हम असली में कुछ करना चाह रहे हैं जब तक नहीं सीख रहे हैं. तो सीखते सीखते जो ब्रेक थ्रू हमें मिला था, RKVY रफ्तार का एक ग्रांट था फ्रॉम IIT BHU जो हमने भरा, हमने उसे मार्च में भरा था. बट उसका रिजल्ट आते आते दिसंबर तक उसका रिजल्ट आया. तो हमें लगा कि शायद नहीं होगा, वो इतना लेट हो रहा है. बट फॉर्चुनेटली उसमें हमारा फर्स्ट राउंड सिलेक्शन हो गया प्रेजेंटेशन के थ्रू. फिर हमें IIT BHU में जाने का मौका मिला, अपनी 2 महीने की रिसर्च कंडक्ट की वहाँ पे, IIT के प्रोफेसर्स का सपोर्ट मिला और साइंटिस्ट का सपोर्ट मिला, अपने आइडिया को और अच्छे से ग्रूम किया फिर वहाँ पे. तो 2 महीने की जो वो रिसर्च पीरियड था हमारा IIT BHU में, और वहाँ पे जो ट्रेनिंग हमें मिल रही थी बिजनेस से रिलेटेड, RKVY रफ्तार के थ्रू जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ग्रांट है, वो बहुत इन्हेंस किया. कितना होता है इसमें ग्रांट अमाउंट? 2 तरीके का होता है, एक आइडिया बेसिस पे, एक प्री जो मार्केटिंग स्टेज के लिए आइडिया बेसिस पे 5 लाख का है, और सेकेंड स्टेज के लिए 25. तो हमारा आइडिया बेसिस पे था उस टाइम पे. तो
आईडिया बेसिस पे सिलेक्शन हुआ था. तो दो महीने में हमने सारी रिसर्च कंडक्ट की जो भी हमें बेसिक रिसर्च रिक्वायर्ड थी रिलेटेड टू ग्रासेस, रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल बायोमासेस, नैनो पार्टिकल्स डेवलप किए. वहाँ पे हमें साइंटिस्ट्स का सपोर्ट मिला जो हमारे साथ अभी कोर टीम में भी जुड़े हुए हैं कुछ साइंटिस्ट वहाँ के. एंड उसके बाद सेकेंड राउंड होता है उसी प्रेजेंट उसी ग्रांट का, उसको भी हमने फिर क्वालिफाई किया. एंड थर्ड राउंड भी होता है, तीन राउंड का स्क्रीनिंग प्रोसेस है, उसे भी क्वालिफाई किया. एंड फाइनली अक्टूबर में, मार्च में हमें पता चल गया था हम सेलेक्ट हो गए. अक्टूबर में हमें पहला ट्रांच आया था. ये 2000 लास्ट ईयर की बात है, 2023. हाँ, ये पूरा प्रोसेस एक साल चला है. अच्छा, ये एक ग्रांट का सिलेक्शन प्रोसेस एक साल चला है. उसी बीच तक हम, इतना ग्रांट नहीं आया था, पैसे नहीं मिले थे, बट हम पॉलिश्ड हो चुके थे कि हम आगे अप्लाई कर सकते हैं. तो आईआईटी कानपुर में अप्लाई किया. फॉर्चुनेटली वहाँ से भी हमें फिर सपोर्ट मिला, इंक्यूबेशन सपोर्ट मिला. यहाँ से भी हमें काफ़ी मेंटोरशिप एंड अदर जो बिजनेस गाइडेंस होता है उस तरीके का, जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तब भी हमें मिल रहा था, बट जब सिलेक्शन हो गया तो एक फॉर्मल रूट के थ्रू मिला. तो सपोर्ट आप अगर सीख करते हो, आपके पास नहीं है तो ये सोच के बैठने से अच्छा है जो मिल जाए. नहीं मिल रहा है, खुद से जाके लो, छीन लो, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है जो आपको करना चाहिए. तो वहाँ से फिर ग्रांट मिला. जैसे ही हमें पैसा आया, हमने फिर घर पे जाके जो भी रिसर्च की थी उसी बेसिस पे हमने प्रोटोटाइप डाल दिया, फैक्ट्री सेटअप डाल दिया कि अब मैन्युफैक्चरिंग करनी है. तो हरदोई में फैक्ट्री है. तो फिर वहाँ के बाद वो जर्नी पूरी हुई. एंड फिर हमें SICIT कानपुर में इंक्यूबेशन भी मिल गया. एंड फिर हमें निधि EIR ग्रांट भी मिला यहाँ पे. एंड बिजनेस मेंटोरशिप मिली. निधि EIR में क्या मतलब क्या रहता है, कितने ग्रांट? निधि EIR फेलोशिप है एक स्टार्टअप्स के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ग्रांट है, जिसमें 30,000 पर मंथ हमें मिलता है, वो भी ऑन द आइडिया बेसिस है. तो जब अप्लाई किया था तो हमारा आइडिया बेसिस पे ही था. अभी हम आगे बढ़ गए तो दैट इज अनदर थिंग, बट वो अभी भी बहुत सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है हमें फर्दर ग्रांट्स के लिए, फर्दर अपॉर्चुनिटीज के लिए. एंड एक ट्रस्ट पॉइंट बिल्ड हो जाता है इन ग्रांट्स की वजह से कि अगर DST आपको एक्नॉलेज कर रहा है तो कुछ तो बात होगी. तो अगर हम किसी साइंटिस्ट को अप्रोच करते हैं कि आपका गाइडेंस चाहिए हमें इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, तो वो एक ट्रस्ट दिखाते हैं. और एक ब्रांड भी एसोसिएट हो जाता है आपके साथ. ब्रांड भी ऑब्वियसली IIT ब्रांड है, तो वो IIT कानपुर, तो वो एसोसिएट हो जाता है. तो रीच इजिली, लोग बात करने लगते हैं आपसे. नहीं जुड़ेंगे अनदर थिंग, बट वो सुन जरूर लेंगे. तो वो चीज प्लस पॉइंट. बीच में आपने एक बात बोली थी कि आदमी पहले खुद को निखारे इससे पहले कि बाकी लोग निखारे. एक शायर का शेर है कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, फिर तब जाके फिर कुछ कारीगर करता है. Exactly. तो वही इसी सोच के कारण जो है SIC का जो इकोसिस्टम है, आप भी उससे रूबरू हो चुके हैं कि अराउंड 60-70 मेंटोर्स हैं यहाँ पे, जो जिसमें SIC के प्रोफेसर्स भी हैं, इंडस्ट्री के लोग भी हैं. आपको और क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे, वेडो अदर इकोसिस्टम जहाँ पे आप काम करके आ चुके. तो सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे मुझे मिली है IIT कानपुर में, वो एक जनरोसिटी होती है. आप काम कर रहे हो, आपका एक, आप बहुत कम स्टेज पे हैं, मतलब अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं, लोग बाहर से एक्नॉलेज नहीं करते. आपका खुद पे भी कभी कभी ट्रस्ट टूटने लगता है कि पता नहीं सही कर रहे हैं, टूट नहीं चल पाएगा. बट वहीं पे आता है इंक्यूबेशन सेल का रोल, मेंटोर्स का रोल. आपको एक जो मैनेजर दिया गया है उसके अलावा भी सब लोग जुड़े हुए हैं, जो आप कभी भी, आपको प्रॉब्लम होती है ना, आप किसी को भी कनेक्ट करो, कभी कोई मना नहीं करता. किसी भी पॉइंट पे गाइडेंस चाहिए रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू फाइनेंशियल असिस्टेंस, एनीथिंग, कोई ना कोई आपको हेल्प जरूर करता है. एंड दिस इज द मेन थिंग कि यहाँ पे स्टार्टअप्स ग्रो करते हैं, ग्रो कर जाते हैं. तो ये बहुत बड़ी चीज हमें यहाँ पे सपोर्ट मिला. डेडिकेटेड पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी आपको अलॉट हो जाते हैं. तो अभी आपका आगे का मतलब फ्यूचर प्लान्स का क्या है? मतलब आपने बताया कि फैक्ट्री सेटअप हो गया है, प्रोटोटाइप आपने कर लिया है, MVP आपका प्रोडक्ट रेडी. And are you ready to go to like launch a product? हाँ, हम प्रोडक्ट लॉन्च, हमने सैम्पलिंग करा चुके हैं ऑलरेडी, हमारे पास मार्केट है, हमें ऑर्डर्स आ चुके हैं. अच्छा, ऑर्डर्स आ चुके हैं, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. तो हमारा बस जो
एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, ये जो इंडस्ट्री है हैवी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है. मेरा ब्रांच मैकेनिकल था, हमने काम बायोटेक में किया और केमिकल इंजीनियरिंग में किया. वो पार्ट ही नहीं था हमारा, बट हमने उसको सीखा क्योंकि हमें अब उस पर काम करना है तो सीखना पड़ेगा जी. तो उस पर काम किया. बट मैकेनिकल का रोल भी आया जहाँ पे हमें इंडस्ट्री के लिए कुछ चीज़ें डिज़ाइन करनी थी. इस इंडस्ट्री में बहुत हैवी इक्विपमेंट लगते हैं जो हम अर्ली स्टेज में अफोर्ड नहीं कर सकते थे. तो हमने डिज़ाइन किए, फैब्रिकेट कराए, हमारे हमने कोलैबोरेट किया एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है. तो हमने फैब्रिकेट कराए. अभी हमारा एक ऑप्टिमाइज्ड प्रोटोटाइप प्लांट रेडी है जहाँ पे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं. एंड हमारे पास दो ऑर्डर्स हैं जो हम जस्ट एक दो वीक में फुलफिल करने वाले हैं. वेरी नाइस. मेरे को आपके कॉलेज की मिट्टी का कुछ सीन लगता है कि जितने भी मैकेनिकल, जैसे आपने, जैसे ही आपने बताया कि आप मैकेनिकल इंजीनियर्स थे, आपने फिर काम किया केमिकल में, बायोटेक में, शायद आपके यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ इकोसिस्टम है कि सारे मतलब बायो रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा होती, क्योंकि बिकॉज आई नो समवन फ्रॉम योर कॉलेज हु हैज़ सिमिलर लाइक करियर पाथ. सो क्या वो क्या चीज़ है, शायद ऐसा कुछ एक्सपोजर हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. प्योर मैकेनिकली पढ़ाया जाता है और वही बुक वाला और थोड़ा बहुत अपने से चाहो जहाँ पढ़ सकते हो वो चीज़ें. बट जब हमें प्रॉब्लम दिख जाती है और रियल टाइम प्रॉब्लम दिख जाती है तो फिर हम कुछ भी हो, किसी भी ब्रांच का हो, डजंट मैटर, हम सीख लेंगे. तो एज एन इंजीनियर मैं इसलिए बोल रही हूँ, वो सबके लिए लागू होता है, बट क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से इसलिए बोल रही हूँ, प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर, हमें बस उसको एक्नॉलेज करना है एंड वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन एनीवे, बिकॉज दिस इज व्हाट इंजीनियर्स डू, दिस इज व्हाट एवरीवन डू, बट बिकॉज आई एम एन इंजीनियर तो मैं ये चीज़ बोल रही हूँ. तो प्रॉब्लम्स हमें दिखती हैं, बट छोटी प्रॉब्लम हो चाहे बड़ी प्रॉब्लम हो, छोटी को इग्नोर करते हैं वही बड़ी होती है. हमने छोटी प्रॉब्लम थी प्लास्टिक की, उसको इग्नोर किया, अभी हमें पहाड़ दिख रहे हैं प्लास्टिक के. तो छोटी पे ही अगर उसको एक्नॉलेज करके उसके सोल्यूशन पे काम करें तो वो बड़ी नहीं होगी आई थिंक. तो दिस इज़ व्हाट हमारा एम रहता है. तो हमारे ब्रांच में भी वही चीज़ है, जिन्होंने भी आगे काम किया उन्होंने देखा कि प्रॉब्लम सच में बड़ी है और उस पर काम होना चाहिए. तो दैट इज़ व्हाई दे जॉइंड एंड आई वर्क्ड. फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं आप, और बीइंग अ फीमेल आई विल बी अ बायस दिस एट दिस एंड, बिकॉज मतलब जो माहौल है यहाँ आसपास जो मैं फील करता हूँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बायसेस देखे जाते हैं मेल और फीमेल में, इवन फॉर दी किड्स टू टॉक अबाउट. तो आप ग्रेजुएट हुए थे एंड आपने एक्सप्लेन किया था, बीच में मेंशन भी किया था कि एक्सपेक्टेशंस थे घर वालों के, एंड देन यू चोज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पाथवे रादर देन गोइंग फॉर अ जॉब, कन्वेंशनल जॉब. यू सेड कि मैं अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करूँगी. कैसा सपोर्ट या क्या वो दौर था पेरेंट्स को मनाने का, या कैसे हुआ था? हाँ, यहाँ पे ये भी एक स्टोरी है, स्टोरी तो सेंस सबकी होती है, बट मैं ये बताना चाहूँगी कि पेरेंट सपोर्ट स्टार्टिंग में नहीं करते हैं. उनको ऐसा नहीं है वो समझ नहीं रहे, बस उनके हिसाब से ये उनको लगता है कि शायद हम सही डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे हमने. और कुछ चीज़ें ऐसे हाईलाइट हो जाती हैं कि लगता है कि ये फेम के लिए ना कर रहा हो, गलत ट्रैक पे ना पहुंच रहा है, बस बना हुआ है स्टार्टअप्स का. तो अगर आप वो ट्रुथनेस दिखा दो उनको, अपने पेरेंट्स को दिखा दो कि आप सच में करना चाहते हो, ये इस वजह से नहीं कर रहे हो कि बस चीज़ आपके दिमाग में किसी ने डाल दिए तो कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं. ऑब्वियसली स्टार्टिंग में नहीं सपोर्ट किया था, दे वॉन्टेड कि हम मैं भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँ. मैंने की भी थी, मैंने गेट भी दिया था एंड विदाउट प्रिपरेशन दिया था. वो चाहते थे मैं करूँ प्रिपरेशन, बट मुझे था नहीं करना है, बट मैंने उनके लिए दिया गेट. क्वालिफाई भी कर लिया था, बट आगे कुछ नहीं किया मैंने उसमें. और जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया, थोड़ा सा मुश्किल था उनको मनाना, बट अगर आप सोच लो करना है और आपको पता चल गया ये चीज़ ज़रूरी है करनी, तो आप फिर उनको भी समझा ले जाओगे. जब तक आप खुद में क्लियर नहीं होगे, इफ़ योर वाई इज़ नॉट क्लियर देन योर हाउ विल ऑलवेज बी डिफ़िकल्ट. क्लियर योर वाई फर्स्ट. तो मेरा वही था, क्लियर किया एंड देन फिर मैंने, जब हमें ग्रांट सपोर्ट मिल गया, इंक्यूबेशन सपोर्ट मिल गया, IITs एक्नॉलेज करने लगी, साइंटिस्ट बात कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने भी सपोर्ट किया. अभी तो प्लांट पापा ही मैनेज कर रहे हैं. अच्छा. तो यही होता है कि आप एक बार करके दिखा दीजिए उनको, जब एक बार होने लगता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स और हमारे जनरेशन गैप काफ़ी है मतलब नॉट ओनली आर पेरेंट्स, जो 2010 या 2008 में पास आउट हुए हैं उनसे और अभी के पास आउट से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी डिफरेंस फील भी होता है मुझे. डेफिनेटली.
तो मतलब टीम्स कैसे मैनेज कर रहे हो आप, कितने हो, कितने लोग हो अभी टीम में? टीम का मैं बताने से पहले एक चीज़ मैं पिछली चीज़ बताना चाहूँगी, पापा मेरे आर्मी में हैं तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है अभी, तो जब वो रिटायर हो गए, अभी आर्मी वालों के पास एनर्जी बहुत होती है, उन्हें कुछ ना कुछ करना है, तो जब मैंने प्लांट डाला तो जब ग्राउंड पे प्लांट उन्हें दिखा कि अब काम शुरू हो गया, तो फिर वो सबसे आ गया कि अब ये तुम टेंशन मत लो, तुम जाके ऑफिस वर्क संभालो, मीटिंग संभालो, हम ये संभाल लेंगे। तो अभी उनका वो है। अब टीम पे कितने लोग? अभी हमारी टीम में 5 कोर मेंबर्स हैं, मैं और मेरे साथ एक और को फाउंडर जो ऑपरेशंस देखती हैं, हाँ। ज्योति सिंह उनका नाम है, एंड देन 2 साइंटिस्ट हैं, एक टेक्निकल मेंटोर है, और एक जो टेक्निकल ऑपरेशन सारे हैंडल करती हैं डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव, वो भी IIT BHU से ही हमें मिली हैं। अच्छा। विमेन साइंटिस्ट हैं DST की फ्रॉम IIT BHU, एंड वन इज डॉक्टर दीप ज्योति चक्रवर्ती, इज फ्रॉम AIC वनस्थली। अच्छा। जो हमें ऑनलाइन के थ्रू मिले, एंड AIC में भी जब मैं एप्लीकेशन के प्रोसेस में थी तो मैं हर इंक्यूबेशन सेल में अप्लाई कर देती थी, जो मुझे लगता था यहाँ से कुछ गाइडेंस मिल सकता है, तो वहाँ से वो मिले, एंड वन इज बिजनेस एडवाइजर। How are they like, you are paying them monthly, why they are associated with? Kuch to wo barter raha hoga, that is a main question. मैं अभी पे नहीं, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स पे नहीं कर सकते हैं, तो उस पॉइंट पे 2 चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं, करते हैं टीम्स के साथ, एक विजन पे और दूसरा इक्विटी पे। तो स्टार्टिंग में जब कोई भी हमारे साथ जुड़ता है तो उसको सबसे पहले वो आपको देखता है जी, आप कर पाओगे कि नहीं, आप विजन लेके चल रहे हो, 2-3 साल का विजन तो नहीं है, लॉन्ग टाइम विजन है। तो जब आपका विजन उन्हें दिख जाता है तो जेन्युइनिटी दिखती है कि कुछ भी पर्सन कुछ कर लेगा, तो वो आपके साथ जुड़ता है। तो मेरे साथ जो अभी जुड़े हुए हैं वो विजन पे जुड़े हुए हैं, ऑब्वियसली जब काम करेंगे आगे तो आई थॉट कि मैं अपने एंड से उन्हें इक्विटी ऑफर करूंगी कि आप जुड़े हमारे साथ, मतलब अभी आपने कुछ भी ऑफर नहीं किया है अभी, बट हुआ, बट डेफिनेटली हम उन्हें कोर टीम में लेना जरूर चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारा उस स्टेज से साथ दिया है जब